अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से सिंथेटिक डाटा को यूज़ करके हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक रियल डाटा सेट को लेके हम किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करवा सकते हैं। तो मैं इसमें कैलिफोर्निया हाउसिंग का डाटा सेट जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को और डाटा सेट के जो फंक्शंस हैं, रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, उनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं पाइपलाइन जो है उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं प्री प्रोसेसिंग में से इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को, और इसके अलावा मैं sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट कर लेता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ठीक है जी, तो मेरे रिक्वायर्ड पैकेजेस जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि अपने डाटा सेट जो है उसको लोड करूँगा। उसको लोड करने के लिए मैं एक्स और वाई दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और ये जो फंक्शन है मेरा फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग का, इसको मैं जो है वो पैरामीटर देता हूँ कि जी एज़ फ्रेम का ही मतलब है कि ये डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा, और सेकेंडली इसमें मैं रिटर्न एक्स वाई जो है वो ट्रू कर देता हूँ, ताकि x और y जो है सिर्फ ये रिटर्न करें। डाटा फेच करने के बाद मैं इसको x ट्रेन x टेस्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। और इसको मैं x और y जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको रैंडम स्टेट दे देता हूँ, ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस हो सकें। इसके बाद मैं अपनी जो लीनियर रिग्रेशन की पाइपलाइन है उसको डिफ़ाइन करता हूँ। लीनियर रिग्रेशन की पाइपलाइन जो है उसमें हम दो काम करेंगे। एक तो हम जो स्केलर है, फीचर स्केलिंग हम करेंगे। तो फीचर स्केलिंग जो है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे। एंड सेकेंडली मैं क्या करूँगा, सेकेंडली मैं जो है इसको मुझे पैरेंथेसिस में देना पड़ेगा, और सेकंडली जो है मैं लीनियर रिग्रेशन जो है उसका मॉडल जो है वो अप्लाई करूँगा। तो उसको मैं लिन रेग का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे उसका इंस्टेंस जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है जी, मेरा जो पाइपलाइन है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें मैं पहले उसको फीचर स्केलिंग करूँगा और देन मैं उस पर लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने अपने लीनियर रिग्रेशन पाइपलाइन को फिट करवाना है अपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर, और मेरी जो पाइपलाइन है वो ट्रेन हो चुकी है। मैं इस पे स्कोर जो है वो चेक कर सकता हूँ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे, और इसी तरह से मैं स्कोर चेक कर सकता हूँ एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है वो बायस्ड आ रही है, क्योंकि दोनों टेस्ट ट्रेनिंग पे भी और टेस्टिंग पे दोनों पे जो है वो परफॉर्मेंस बहुत कम है। तो इट मींस के इस मॉडल के अंदर बायस जो है वो ज़्यादा है। हम पॉलीनोमियल रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं बायस को ओवरकम करने के लिए। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम पॉलीनोमियल रिग्रेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं एक सेक्शन अलहदा बना लेता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ प्रीप्रोसेसिंग में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पॉलीनोमियल फीचर्स, और पॉलीनोमियल फीचर जो हैं वो मैं इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ पॉलीनोमियल फीचर्स, और उसमें डिग्री जो है वो मैं 2 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन से एक्स ट्रेन न्यू बनाने जा रहा हूँ,
उसको मैं फिट ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक्स ट्रेन जो है वो जब उस पर मैं पॉलिनोमियल फीचर्स का फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो क्या कन्वर्जन होती है, वो किस फॉर्मेट में जो है वो चेंज होके आ जाते हैं मेरे पास। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि एक्स ट्रेन, मैं पहले देखता हूँ कि जो मेरा एक्स ट्रेन था उसकी क्या शेप थी। तो उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास 8 फीचर्स थे, ठीक है। अगर मैं एक्स ट्रेन न्यू को देखूँ तो उसकी शेप अगर देखूँ तो उसमें 45 फीचर्स आ चुके हैं। इट मीन्स कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए जो पॉलिनोमियल फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। 8 एक्चुअल थे और अब 45 हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसने कौन से फीचर्स बनाए हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर जो मेरा बल्कि जो फीचर पॉलिनोमियल फीचर का मैंने इंस्टेंस बनाया हुआ है उसमें मैं देख सकता हूँ गेट फीचर नेम्स आउट। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेड इनकम, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पहले से इसमें अवेलेबल थे लेकिन इसने मेड इनकम का स्क्वायर भी ले लिया और इसने और फीचर्स की आपस में भी इंट्रैक्शन को देखा है, यानी कि मेड इनकम और हाउसिंग एज को मल्टीप्लाई करवा दिया, मेड इनकम और एवरेज रूम्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह से स्क्वायर लेके और फीचर्स की इंट्रैक्शन को देखते हुए इसने 45 फीचर्स जो हैं वो जनरेट करवा दिए। अच्छा, हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल पाइपलाइन के अंदर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वो ज़्यादा बेहतर लगता है कि हम एक ही पाइपलाइन के अंदर फीचर्स भी जनरेट करवा लें, स्केलिंग भी करवा लें और रिग्रेशन भी परफॉर्म कर लें। तो हम बजाय कि इस तरह से इसको स्टेप्स करने के, हम सिंपल एक पाइपलाइन बना लेते हैं। मैं ऊपर से इसको कॉपी कर रहा हूँ पाइपलाइन को। तो यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर सिर्फ मैं ये चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और जो है वो स्टेप डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज़ पॉलीनोमियल फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉलीनोमियल फीचर्स और ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी पाइपलाइन जो है वो रेडी है। इसको मैं LRP की बजाय नाम दे देता हूँ, पॉलीनोमियल रिग्रेशन पाइपलाइन, ठीक है, PRP। अच्छा, अब PRP जो है उसको मैं फिट करवा लेता हूँ अपने डाटा पे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और ये मेरी पाइपलाइन जो है ये रेडी है। अब मैं इस पे जो है अपने स्कोर जो है वो कंप्यूट कर लेता हूँ एक्स ट्रेन के लिए, जो कि 68% आ रहा है, और इसी तरह से मैं स्कोर निकाल लेता हूँ एक्स टेस्ट के लिए जो कि 65% आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करते हुए जस्ट डिग्री 2 के साथ मैंने जो है इसको यूज़ किया है और इससे जो है वो बायस कम हो गई है। अब जो परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग पे 68% आ रही है और टेस्ट पे जो है वो 65% आ रही है, तो दोनों पे जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन को रियल डाटा सेट पर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से पॉलिनोमियल फीचर्स को यूज़ करते हुए हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं।